पीस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, अगर और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पीस हमारे अंदर होए, क्योंकि अगर हमारे अंदर पीस है तो ही हम पीस को स्प्रेड कर सकते हैं. और बहुत सारी क्वालिटीज से पीस आता है, जैसे ग्रैटिट्यूड. आई थिंक ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. हम सब जहाँ भी हैं ज़िंदगी में आज, अगर हम 5 साल पहले इसी चीज़ को देखें तो हम हमारी ड्रीम थी यहाँ होना, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम इतने बिजी हो जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के लिए भागने में कि हमारे में वो पीसफुलनेस नहीं रहती है, हम वापस वो रेस में लग जाते हैं. तो अगर हम बस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें तो आई थिंक उस बाय जस्ट बाय इटसेल्फ पीस हम फील करने लग जाते हैं. बस अगर हम ये एक लिस्ट बना लें कि हम ग्रेटफुल हैं इस चीज़ के लिए, और अगर हम बस देखें कि 5 साल पहले अगर हम इसी सिचुएशन आज के दिन को देखते तो हम बोलते हाँ कितना अच्छा दिन है, हम भी उस जगह पर रहना चाहते हैं, और आज हम वो दिन जी रहे हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इन आवरसेल्व्स, एंड व्हेन वी हैव दैट वी कैन बी अ पीसफुल पर्सन एंड देन वी कैन स्प्रेड पीस. और आई थिंक इस टाइप के मूवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम एक अच्छी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं और उसको स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ होती भी है जिसके पीछे हम कोशिश करते हैं. और ये बोल रहे हैं कि इनके फेसबुक पेज पे 2 मिलियन लोग हैं, तो अगर 2 मिलियन लोग पीस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं तो एटलीस्ट उनके आसपास के 4-5 लोग हैं, उनका दिन तो अच्छा जाएगा, पीसफुल जाएगा, जिसमें वो किसी को हर्ट करने की नहीं कोशिश. बहुत ज़रूरी है. आप भी देखे होंगे जितने राइटर वाइट होते हैं वो समुद्र किनारे या नदी के किनारे या झील के किनारे जाके शांत मुद्रा में बैठते हैं, तभी वो कुछ लिख पाते हैं. आज हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हम लोग पीस एम्बेसडर बने, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे थ्रू लोगों में शांति अधिक से अधिक जाए. और जैसे मैडम ने कहा कि शांति जब जाएगी जब हम अंदर से खुद से शांत होंगे, जब हम खुद शांत होंगे और उसको अनुभव करेंगे, और जो अनुभव करने के बाद जो किसी को कहता है तो वो एकदम ट्रेडमार्क हो जाता है कि हमने अनुभव किया है. इसलिए हम कह रहे हैं कि शांति इससे बड़ी चीज़ है. जो शांत जिसके अंदर शांति होती है वो समाज में परिवार में भी खुशहाली रहती है. और अगर देश में खुशहाली रहना है तो हमें अंदर से शांत होना पड़ेगा, हमारे परिवार को शांत करना पड़ेगा, तो ही देश को शांति हम दे सकते हैं. कनिष्क मान आपसे जानना चाहेंगे, एज अ सेलिब्रिटी कितना इम्पोर्टेंट है इस मूवमेंट से जुड़ना, क्योंकि बहुत सारे फैन फॉलोअर्स होते हैं सेलिब्रिटीज के, तो ये फॉलो करते हैं. जो भी हम जो चीज़ करते हैं पीपल लाइक टू फॉलो अस, सो एज अ सेलिब्रिटी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट करें. और बीइंग एन एक्ट्रेस, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कभी कभी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो बहुत बार हमें शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने अंदर. तो जब जैसे मैंने इसे एक्सेप्ट किया है एज अ लाइक इफ आई एम प्लेइंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो मुझे खुद को अंदर से लग रहा है कि यू नो अब मुझे खुद ये जो थॉट है ये दूसरों तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है. तो अगर मेरे अंदर पीस है तो मैं दूसरों तक भी ये पहुंचा सकती हूं, और आई एम श्योर कि लोग इससे काफ़ी इंस्पायर होंगे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, एंड मैं अभी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही हूँ और मूवीज़ बना रही हूँ एक पीस के ऊपर, कि 9/11 के टेररिस्ट के बाद हिटलर जैसे बैड लीडर्स बार बार हमारी ज़िंदगी में हमारी वर्ल्ड में वापस आ रहे हैं, तो हम लोग पीस कैसे स्प्रेड कर सकते हैं. द मैसेज ऑफ पीस हैड बीन बिफोर गिवन बाय नॉस्ट्रोडामस, बाय मदर टेरेसा, बाय टैगोर. सो मेनी ग्रेट थिंकर्स एंड ग्रेट मूवी मेकर्स हैव स्पोकन अबाउट पीस. So this is exactly what I am trying to discover as a genius, that how the language of peace can establish a beautiful world through my creativity. Okay, thank you so much. And you know what I figured out, honestly, what I